नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित NHPC गेस्ट हाउस में आज जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में भारत नेपाल सीमा समन्वय समिति की बैठक विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ संपन्न हो गई। बैठक में भारत व नेपाल के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान काली नदी किनारे चल रहे तटबंध निर्माण को लेकर नेपाल के अधिकारियों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी ने कहा कि बीते जनवरी माह से काली नदी किनारे चल रहे तटबंध निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। यदि इससे सीमा क्षेत्र को कोई नुकसान की संभावना है तो बताएं, जिससे कि समाधान निकाला जा सके। जिस पर नेपाल के अधिकारियों ने तटबंध निर्माण क्षेत्र में काली नदी के मध्य में पड़े मलबे को हटाए जाने की बात कही, ताकि नदी चैनलाइज हो जाए और वर्षाकाल में नदी का तेज बहाव नेपाल सीमा से सटे गाँवों को नुकसान न पहुँचाए। जिसको लेकर निर्माण कार्य में जुटे अधिकारियों ने बताया कि तटबंध निर्माण के साथ साथ मलबा हटाने का कार्य भी जारी है। इस दौरान जिलाधिकारी जोशी ने कहा कि आगामी 10 दिनों तक भारत की ओर से नियमित रूप से अधिकारियों द्वारा मलबा हटाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने तटबंध निर्माण में सुविधा को लेकर नेपाल की ओर से घटघाट क्षेत्र में काली नदी से मलबा हटाए जाने की बात कही, जिस पर नेपाल के अधिकारियों द्वारा सहमति जताई गई। कहा कि आगामी 10 दिनों के भीतर नेपाल की ओर से नदी पर तटबंध और मलबा हटाने का कार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए नेपाल की ओर से टेंडर प्रक्रिया कर ली गई है। बैठक में आगामी 10 दिनों के बाद भारत और नेपाल के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की बात भी कही गई। बैठक में भारत और नेपाल के इंजीनियरों की संयुक्त टीम गठित कर निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया, जिससे कि दोनों देशों की सीमा क्षेत्र में कोई क्षति न पहुंचे। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बीते दिनों पथराव की घटना पर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात नेपाल के अधिकारियों से कही गई, जिस पर नेपाल के अधिकारियों ने अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही, जिससे कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। बैठक में CDO दीर्घराज उपाध्याय, SP डमर सिंह, DSP तर्कराज पांडे भारत से, SP लोकेश्वर सिंह, SDM दिवेश सासनी, सिंचाई धारचूला फरहान खान आदि उपस्थित थे। आज एक भारत और नेपाल की एक समन्वय समिति की बैठक हुई है। फास्ट कुछ इंसिडेंट हुए थे 2-3 दिन पहले, उसमें उसी से रिगार्डिंग ये बैठक की गई थी। तो उसमें जो हम लोगों ने बताया कि जो कन्फ्यूजन है, हम लोग यहाँ पे चेक डैम एक तटबंध बना रहे हैं, उसके वजह से नेपाल की जनता को कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। तो आज हम लोगों ने बैठक में उनके कन्फ्यूजन को दूर किया है कि हम लोग जो तटबंध बना रहे हैं वो हम लोग अपने साइड ही बना रहे हैं। विगत उनके कुछ अनुभव रहे हैं तो उन्होंने आज जब हमारे साथ शेयर किए हैं, उनको भी हम लोगों ने उनके कन्फ्यूजन को दूर किया है। और साथ ही साथ इस सहमति पे भी बने हैं कि हम अपने तरफ से ये मलबा हटाएंगे और इसके बाद 10 दिन का के बाद हम दोबारा से बैठक करेंगे और उसमें हमारा जो तटबंध बन रहा है उसको हम आगे ले जाएंगे। तो उससे पहले हम उनके कुछ ऑब्जेक्शन थे वो हम 10 दिन के अंतर्गत दूर कर लेंगे और इसके बाद हम अपने तटबंध को आगे ले जाएंगे। एक ज्वाइंट टीम भी बनाई जाएगी जो हमारे देश के इंजीनियर की भी रहेगी और उनके यहाँ के भी इंजीनियर्स की रहेगी। वो मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। अगर नेपाल को हमारे तटबंध बनाने से किसी कोई पॉइंट से कोई इशू है तो वो हम बैठ के टेक्निकल जो भी इशू है वो बैठ कर हम लोग दूर कर लेंगे। इसके बाद हम अपने काम को आगे बढ़ा लेंगे। जो पत्थरबाजी वहाँ से कर रहे थे उनके अगेंस्ट भी उन्होंने एक्शन लिया है और वो जो उन्होंने एक्शन लिया है वो हमारे साथ भी शेयर करेंगे। और हमने उनको यही बताया है कि आगे भी इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए भी वो एक्शन लें। और तो वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं, उन्होंने यही कहा है कि इस तरह की घटना नहीं होगी आगे। उनका यह प्रयास रहेगा और जो उन्होंने ये घटना में शामिल थे उनके अगेंस्ट भी वो लोग एक्शन ले रहे हैं। पिथौरागढ़ में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी RK शर्मा के नेतृत्व में खाद्य पदार्थों की जाँच को लेकर चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत टीम द्वारा सरकारी विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले दूध के नमूनों के साथ ही 3 निजी डेयरी से पनीर, दही आदि के सैंपल भरे गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी शर्मा ने बताया कि मुनस्यारी, मेहरखोला, सिलिंग आदि क्षेत्रों में भी सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है। सैंपल फेल होने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी DK जैन व S भाटिया शामिल थे। चंपावत जनपद के बनबसा में नेपाल को निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि ले जा रहे एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर पुलिस ने धनराशि जब्त कर कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दी। चंपावत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी शारदा बैराज बनबसा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यक्ति विनोद निवासी इज्जतनगर बरेली के कब्जे से 28,500 रुपये धनराशि नेपाल को ले जाते हुए जब्त कर कस्टम विभाग के सुपुर्द की गई। बरामद धनराशि के बारे में पूछताछ पर संबंधित व्यक्ति द्वारा संतोषजनक उत्तर व वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक हेमंत सिंह घटैत,
HCB जीवन चंद जोशी, कांस्टेबल राकेश मुरारी, सुभाष पांडे, परविंदर राणा आदि शामिल थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।